दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड। इसमें क्या देखे थे, इसमें देखे थे एक स्ट्रक्चर ऐसे करके बिल्ड हुआ था, मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसे करके बिल्ड हुआ था जिसमें हम जब ऐसे करके उसमें दिए थे बीम वगैरह, तो टैंक का पोर्शन था उसमें एनालिसिस करने के लिए बोले थे कि कैसे एनालिसिस होगा। मेरे साथ करो और जहां पे दिक्कत आएगा मुझे बोलना, पर इस फाइल को मुझे भेजो। क्या कर रहे थे उसमें, कहाँ पे भेजना है मैं बोल दूंगा, किस ईमेल एड्रेस पे भेजना है। दिखाया गया था कैसे स्नैप नोट बीम से कर किया जाता है, मतलब वो इस ग्रिड के हेल्प से, वो भी हिंट्स दिए थे, वो बाद में देखना। पहले जो हम लोग जानते हैं जैसे करके लिए थे स्ट्रक्चर विजर्ड से, वापस जाओ। स्ट्रक्चर विजर्ड से जाने के बाद दो उसमें रेडियस था, दो सर्कुलर रेडियस था, एक 5 मीटर डायमेंशन का, एक 6 मीटर डायमेंशन का रेडियस डाला गया था। तो फ्रेम डिजाइन में सर्कुलर बीम में था। अब सर्कुलर बीम में क्या करना है, सर्कुलर बीम में यहाँ पर 5 है तो 5 रहने दो, एंगल 360 डिग्री रोटेट हो रहा है, और नंबर ऑफ फेरी फेरी को कल 20 करके कर रहे थे तो उसमें गैपिंग में डिस्टेंस आ रहा था, तो 21 कर दो इसमें। इसको क्या करो, मार्च करो, जल्दी करो, फास्ट। ये हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। आ चुका है, फिर से आना है, इसके बगल में और एक, तो कैसे करेंगे, जियोमेट्री रन स्ट्रक्चर विजर्ड, फिर से फ्रेम, और इसको क्या करना है, इसको हम लोग 6, मतलब जो बड़ा है उसके लिए 6 डाल रहे थे, और वही 21, पेरिफेरी में 21 सेक्शन रहेगा उसका। उसको क्या करना है, फिर से मर्ज करना है। तो एक साथ आ गया। अब एक साथ नहीं रहेगा, इसका जो बीच का सेशन है, मतलब बीच का जो सर्कुलर शेप है वो थोड़ा नीचे में रहता है, तो नीचे करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसको पहले सिलेक्ट करते थे। किससे सिलेक्ट करेंगे, बीम कर्सर के थ्रू, क्योंकि बीम को, सर बीम को नीचे में लाना, तो कंट्रोल दबाओ और सिलेक्ट करते जाओ। इसको क्या करना है, इसको नीचे में देना है, नीचे में ले आना है। तो नीचे कैसे ले आएंगे, उसी ऑब्जेक्ट को नीचे में ले आने के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करो, यहाँ पर देखो मूव है, F2, तो F2 दबाओगे तो भी आएगा। तो कितना नीचे में जाना है, तो हम लोग क्या दिए थे कल, -0.5 वाई डायरेक्शन में नीचे, यहाँ पर क्या है वाई हाइट में है, तो -0.5। देखिए क्या करोगे, ओके करोगे, नीचे में आ जाएगा, घुमा के देखो इस साइड से नीचे में आ चुका है। अब टैंक का पोर्शन का, वॉल का पोर्शन का हाइट ऊपर में देना है, तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करो बीम कर्सर के थ्रू करके, तुम क्या कर सकते हो, ट्रांजिशन रिपीट में दे सकते हो। अब ट्रांजिशन रिपीट करोगे तो ऐसे करके करना कि कितना हाइट हो, तो वाई सेक्शन में डायरेक्शन, ग्लोबल डायरेक्शन वाई, और कितना हाइट है, तो 4 मीटर डाले थे कल, 4 मीटर करके लिंक अप कर देना, ऊपर में जाएगा वाई, ओके, साथ ही आ जाएगा। इसी का सेक्शन ऊपर में चाहिए और एक, तो कैसे करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे और देखो गैप, देखो 0.5 0.5 और 4, मतलब 5 मीटर, तो कंट्रोल सी कंट्रोल बी दबा सकते हो ऊपर में जाने के लिए, 5 कर लो।
ये चीज हो जाए तो बोलना, जल्दी जल्दी करने का कोशिश करो। फाइव एंड सिक्स मीटर का सर्कुलर बीम देना है। सर्कुलर बीम लेने के बाद अंदर का जो 5 मीटर था उसको क्या करना है, 0.5 से नीचे डाल देना है, मतलब मूव करना। मूव करोगे तो ये सेक्शन आ जाएगा। ये सेक्शन इधर है, ये यहाँ पर ये सर्कुलर बीम का सेक्शन है। तो हम लोग क्या करने का कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर एक वॉल का स्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो वॉल का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी को ही सिलेक्ट करके क्या किए थे, इसी को सिलेक्ट करके ट्रांजिशन रिपीट में दे दिए थे। ट्रांजिशन रिपीट में कितना देना था, वाई डायरेक्शन में जाने के बाद जो हाइट है वॉल का, तो हम लोग समझो कि 4 मीटर ले रहे थे उसमें, 4 मीटर का सेक्शन हुआ पर। तो क्या करना है, वाई में डायरेक्शन में अब जितना वहाँ पर चाहिए सेक्शन, तो तुम यहाँ पर से डिवाइड करके दोगे तो उसी हाइट में बढ़ेगा। तो हमें एक ही सेक्शन चाहिए तो एक है, लिंक अप कर दोगे तो एक एक सेक्शन ज्वाइंट हो जाएगा। हो गया है, तो ए वाला सेक्शन आ चुका था, तो इसी का ही ऊपर में चाहिए। तो हम लोग क्या किए थे, फिर से इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी चला आएगा, नहीं तो तुम ट्रांजिशन रिपीट भी कर सकते हो, लिंक अप मत करना। तो वन वाई डायरेक्शन में वन सेक्शन जाएगा, तो यहाँ पर 0.5, 4.5, मतलब 5 करके ओके कर देना, यहाँ पर आ जाएगा। और कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वाई डायरेक्शन में 5 डाल के आ जाएगा। इसके बाद जोड़ो इसको, कोई भी एक को जोड़ो इधर से एक, और समझो कि नीचे का पोर्शन में कोई भी एक, ठीक है। आप बार बार से इसमें करते जाओ, इसमें करते जाओ, ऐसा नहीं है, वो कल दिखाया गया था वैसे भी कर सकते हो। इसको क्या करो, एक ही बारी में इसको रोटेशन में डाल देगा। तो रोटेशन में डालने के लिए सिलेक्ट होना चाहिए, किसको सिलेक्ट होना चाहिए, इसको सिलेक्ट होना चाहिए, इसको सिलेक्ट होना चाहिए ऊपर में, और इसमें क्या देंगे, सर्कुलर रिपीट। अब सर्कुलर रिपीट में कितना सेक्शन चाहिए, जितना पेरिफेरी का सेक्शन लिए थे हम लोग, 21, 21 स्टेप रिपीट होगा उसमें। करने के बाद क्या करना है, ओके करना है, आ चुका है। नीचे का पोर्शन में भी, ऊपर का पोर्शन। टैप प्रेस करके एरो, कोई भी एरो को घुमाना उस तरफ घूमेगा, कंट्रोल प्रेस करके घुमाओगे तो रोटेट होता है उसी जगह पे, ऐसे करके इस तरफ पे घुमाओगे तो ये रोटेट होगा कंट्रोल प्रेस करके। वही वाला चीज यहाँ पर दिया गया, कहाँ पे कैसे रोटेट होगा। हो जाए तो बोलना, टैंक का ये पोर्शन ऊपर का।
इसके बाद बाद बाकी जो सेक्शन है बाद में करते हैं, आसानी होगी करने में। क्या करना है इसमें, जो प्लेट है प्लेट में प्लेट को ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करना है, सिलेक्शन करना है पूरे सबको, जहां जहां पे प्लेट देना है। तो इस वाले सेक्शन में देना है, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्शन करके, मतलब ऊपर वाला सेक्शन, नीचे वाला सेक्शन, साइड वाला सेक्शन, पूरा सेक्शन सिलेक्शन करके क्या करना है, जेनरेट कर देना है। किसको जेनरेट करना है, फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट्स। तो जितना प्लेट है उसमें क्रिएट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, इस प्लेन को और इस प्लेन को करना है, तो उसी के ऊपर काम करते हैं। तो दोनों प्लेन के ऊपर एक साथ भी काम कर सकते हो। कैसे किया जाता है दिखा देता हूँ, इसको करो। क्या किए हैं हम, सिलेक्शन किए कैसे, बीम कर्सर के थ्रू ऊपर और नीचे को करने के बाद फील फ्लोर ग्रीट विथ प्लेट्स आ जाएगा। उसके बाद देख लेना, छूटा नहीं तो, छूट जाएगा तो समझो कि ए वाला पोर्शन छूट गया है। तो क्या करना, फिर से ऊपर वाला सबको सिलेक्ट करके इसको करना, देखना एक ही प्लेट बाकी था तो वो प्लेट में जेनरेट हो जाए। इसके बाद ऊपर का प्लेट और नीचे का प्लेट, ऊपर का प्लेट का तुम सरफेस मेशिंग नहीं भी कर सकते, खुद ब खुद उसमें जोड़ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि ऊपर का प्लेट का कोई मतलब एनालिसिस होगा ऐसा नहीं, प्रेशर नीचे का प्लेट के लिए एनालिसिस करेगा। तो वहाँ पर प्लेट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, समझो कि देते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले सिलेक्ट करता हूँ, दोनों प्लेट में एक साथ काम करे, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद व्यू में चला जाता हूँ। व्यू में क्या है, व्यू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली, तो ये दो ही ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद इसको घुमा लेता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके नीचे का जो एरो है, डाउन एरो, उसको प्रेस करूँगा तो ये ऐसे करके रहेगा मेरा। तो समझो कि पहले इसको जेनरेट करते हैं उसके बाद इसमें। तो जेनरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, जेनरेट सरफेस मेशिंग। इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जेनरेट कर सकते हो तुम्हारे तरीके से प्लेट के ऊपर। वो क्या करेगा, वो एनालिसिस करने के लिए है, ऐसा नहीं कि उसमें स्लैब तुम ऐसे करके पुट कर रहे हो। एनालिसिस करने के लिए एक पोर्शन आ रहा है स्लैब का, और उसके ऊपर कितना प्रेशर रहेगा, कहाँ पे कितना प्रेशर पड़ेगा, वो एनालिसिस कर देगा डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन के थ्रू। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन में हम लोग डिवाइड कर रहे थे एक एक के थ्रू, एक यूनिट डायमीटर के थ्रू। एंटर दबा, जहां पे पुट करना चाहते हो उसमें एंटर दबा, एंटर दबाने के बाद एरो से पुट करते हुए चले जाएगा। बार बार से कर्सर लेके इसको क्लिक करके देना नहीं है, ओके।
लेट आ चुका है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे का लिए कॉलम के सेक्शन और बीम के सेक्शन को ऐड करना है। तो इस वाले नीचे में सेक्शन में समझो कि ऊपर में एक को ऐड कर देते हैं इस तरह से, लॉन्गिट्यूडल डिस्टेंस ऐसे करके। और इसको क्या करते हैं, इसको नीचे में सेट नोट करते हैं, मिडिल में एक नोट को ऐड करते हैं, और यहाँ से भी डिस्टेंस दे देते हैं एक करना चाहिए या फिर करना चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं किसको, समझो कि इस नोट से दो नोट छोड़ के लेते हैं। यह पर इसमें यह होगा बीच वाले नोट को, ट्रांजिशन रिपीट कहाँ पे देना है, नीचे में कितना स्टोरीज होगा, समझो कि 2 ले रहे 3 मीटर करके, -3 लिंक अप कर देना। ओके नीचे में आ जाएगा। इसमें से बीम देना चाहते हो तो मिडिल से ज्वाइन करके तो घुमा लेना, घुमा लेने के बाद इसको सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट व्यू रखोगे तो उसमें सीबीओ चीज रहेगा। और अब तुम क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो एक एक के साथ एक। अब क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऐड करना है इसका, जनरल में जाके प्रॉपर्टीज ऐड करना है, पहले बीम का प्रॉपर्टीज, उसके बाद कॉलम का प्रॉपर्टीज, उसके बाद स्लैब का थिकनेस ऐड करके सपोर्ट देके उसके बाद लोड असाइन करना है जो कर देते। पर इसमें बोलो कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या करने में दिक्कत आ रही है, दिक्कत नहीं आ रही है तो आगे मैं प्रोसीड करूंगा। प्लेट का स्ट्रक्चर पुट करने के बाद सारा बीम का स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर कॉलम और बीम का स्ट्रक्चर ऐड करना है। मैं क्या कर रहे थे कि जहाँ पे काम करना है उसी को ले रहे थे। अब क्या है, कैसे लिए थे, उसके लिए इसको घुमा ले रहे थे। हुआ है
एक बार देख लेते हैं क्लोज करके।
देखो प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है उसमें, प्रॉपर्टीज किसके किसके लिए प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है, प्रॉपर्टीज असाइन हुआ है देखो, पहले हम लोग प्रॉपर्टीज लिए थे बीम के लिए, उसके बाद लिए थे किसके लिए बीम, मतलब पहले जो प्रॉपर्टीज था कॉलम के लिए असाइन हुआ था, कॉलम के लिए उसमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हर एक पोर्शन को सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है जहां जहां पे कॉलम असाइन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जहां जहां पे कॉलम असाइन हो रहा है उसको सिलेक्ट करो उसके बाद, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट वाई में करोगे तो खुद ब खुद ले लेगा इसमें एक बार प्रॉपर्टीज। तो सिलेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बीम्स पैरेलल जानते हैं हम लोग, तो बीम्स पैरेलल करने के बाद वाई में दे देना, वो वाई को सिलेक्शन करके ले लेगा, पर ये राउंड स्ट्रक्चर होने के वजह से, तो सर्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं आ पाएगा। किसके लिए सिलेक्शन नहीं आ पाएगा, उसमें जब एक्स के प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करोगे और जेड का प्रॉपर्टीज सिलेक्ट करोगे नहीं आ पाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे खुद को, तो कैसे सिलेक्शन करना है, तो प्रॉपर्टीज किसके लिए है, बीम के लिए, तो बीम कर्सर के थ्रू ऊपर का सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद नीचे का कर्सर सिलेक्ट करने के बाद देख लेना उसमें सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, और उसके बाद बीज वाला का, उसके बाद ये आइसोमेट्रिक व्यू से देख लेना उस प्रॉपर्टीज में सिलेक्शन हुआ है कि, और जिसको करना है उसको सिलेक्ट करके ऐसा, और थिकनेस प्लेट थिकनेस जो डाला गया था प्लेट थिकनेस के लिए प्लेट कर्सर को सिलेक्ट करके सारा व्यू में जो जो प्लेट है उसके लिए क्लिक करो तो सिलेक्ट हो जाएगा जहां जहां प्लेट है, अब उस थिकनेस को असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट करके असाइन कर देना, तो क्या होगा उसमें असाइन हो जाएगा प्लेट थिकनेस हुआ पर। उसके बाद सपोर्ट क्रिएट सपोर्ट, इस सपोर्ट को क्या करना है, फिक्स सपोर्ट को नीचे में देना है क्योंकि जो कर रहे थे, तो नीचे के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, नीचे के लिए सिलेक्ट करना है, अब जब सपोर्ट में क्लिक करोगे खुद ब खुद नोड कर्सर को ले लेता है, नोड में सपोर्ट जाएगा इसमें, तो सिलेक्ट असाइन टू सिलेक्टेड नोड असाइन, यस आ चुका है, लोड एंड डेफिनेशन में जाना है, किसको ऐड करना है, डेड लोड को ऐड करना है, तो करते जाओ, इतना बार देख चुके हो कि जानते हो कि क्या करना है, इसके बाद किसको करना है, डेड लोड में डीएल करके ले लो फर्स्ट, उसके बाद ऐड करो उसके लिए, अब ऐड किसके लिए ऐड होगा इसमें, इसके ऐड होगा जस्ट सेल्फ वेट, सिर्फ इसमें जा रहा है ऐड, तो सेल पॉइंट को ऐड करो और सेल पॉइंट को असाइन करो उसमें, अब असाइन करने के लिए क्यों असाइन करना है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसमें असाइन नहीं हुआ है सेल पॉइंट, तो असाइन विद व्यू पूरा सेक्शन के लिए आएगा, तो असाइन विद व्यू असाइन, यस असाइन हो चुका है, उसके बाद लाइफ लोड आएगा, लाइफ लोड मतलब जो प्रेशर आ रहा है वाटर का प्रेशर वो डालना है नीचे में और साइड में साइड वॉल के लिए, समझो कि एलएल करके ले रहे, लोड केस में ऐड करो, ऐड करोगे तो एक के बाद एक ऐड करो, गेट लोड में सेल्फ वेट, लाइफ लोड में आएगा वाटर प्रेशर, तो ऐड करना है कहाँ पे जाना है, प्लेट प्लेट लगा है स्लब के लिए, तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें देना है जेनरेट करना है किसको, प्रेशर को, अब प्रेशर ऑन फुल प्लेट्स कहाँ पे लगेगा, नीचे के प्लेट के लिए, तो उसको सिलेक्ट करके असाइन कर देना, क्या लग रहा है प्रेशर, तो हम लोग समझो कि 50 ले रहे, अब देखो लोकल एक्सिस लोगे कि ग्लोबल एक्सिस लोगे, या पर ऊपर से नीचे के मतलब, या पर डायरेक्ट तुम ग्लोबल एक्सिस ले लेना आसानी होगी, क्योंकि ऊपर से नीचे में जा रहा है, नीचे का प्लेट है वहां पर,
कौन से प्लेट के लिए कर रहे हो? नीच वाले प्लेट के, मतलब इस वाले प्लेट में लग रहा है, प्लेट कर्सर से इस वाले प्लेट में लग रहा है, एकदम नीचे में, तो फूल प्लेट में वो अपर प्रेशर पड़ रहा है। तो इसके लिए वाई, तो ग्लोबल वाई ले रहे हो, तो डायरेक्शन कैसे है? माइनस, ऊपर से नीचे तक। एट, अब देखो ऐड हो चुका है, उसके लिए क्या करना है? असाइन करना है, तो असाइन करते, तो यहाँ पर सिलेक्टेड है, फिर से सिलेक्टेड करने जरूरत नहीं, जब सिलेक्टेड नहीं रहेगा तब तुम जाके सिलेक्ट करना। कैसे सिलेक्ट करोगे? वही व्यू से प्लेट कर्सर के थ्रू, नीचे का प्लेट, तो नीचे का प्लेट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना, तो सब एक्सेप्ट हो जाए। अब इसको क्या करना है? असाइन करना है, तो कहाँ पे क्लिक करना है? असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट में क्लिक करना है, तो असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट क्लिक करके असाइन कर दोगे तो असाइन हो जाएगा उसमें नीचे। अब साइट वॉल के लिए देना है, तो साइट वॉल के लिए फिर से लाइफ लोड में जाने के बाद ऐड, साइट वॉल के लिए क्या पड़ेगा उसमें? हम लोग जानते हैं, तो प्लेट लोड में जाने के बाद हाइड्रोस्टैटिक। अब हाइड्रोस्टैटिक में क्या करना पड़ेगा? साइट वॉल को डिफाइन करना पड़ेगा पहले, कि साइट वॉल ले रहे हो तो सिलेक्ट प्लेट, तो पहले इसको डिफाइन करो नीचे का प्लेट के लिए, सिलेक्ट करके फिर असाइन कर देना, मतलब उसमें क्रिएशन और असाइनिंग, क्रिएशन और असाइनिंग हो रहा है। पहले क्रिएशन कर रहे हो, उसके बाद असाइनिंग कर रहे हो, कहाँ पे लग रहा है उसको। तो सिलेक्ट प्लेट, किस प्लेट को सिलेक्ट करना है? इसके लिए साइट वाले वॉल के लिए बैठ रहा है, तो साइट वाले के लिए हम लोग घुमा देते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद प्लेट कर्सर के थ्रू प्लेट को सिलेक्ट करना है, समझो ये सारा प्लेट में पड़ रहा है, तो इस मिडिल में से करोगे तो साइड वाला ही सिर्फ सिलेक्टेड होगा। देखो अंदर में नहीं गया है, ऊपर में नहीं गया, साइड वाला वॉल में नहीं गया है उसमें। कैसे सिलेक्ट किए हम? सिलेक्ट करने का क्या तरीका है? सिलेक्ट करने का तरीका ऐसा है कि इस बीच में से इसको सिलेक्ट करो, हो जाएगा। देखो ऊपर और नीचे छूट चुका है, डन। अब इसमें ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, तो इंटरपोलेट अलोंग ग्लोबल एक्सिस वाई, और कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है? अंदर से बाहर, तो अंदर से बाहर समझने के लिए क्या प्रेशर पड़ रहा है, माइनस डालू कि प्लस डालू, वो समझना है ओरिएंटेशन से, प्लेट का जो ओरिएंटेशन है उसमें से, मतलब डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्लोबल जेड से ले रहा है, ठीक है। अब तुम ग्लोबल वाई, ग्लोबल जेड, ग्लोबल एक्स यहाँ पर असाइनिंग कर सकते हो, क्योंकि राउंड स्ट्रक्चर है। कहाँ कहाँ डायरेक्शन दोगे? एक्स में जा रहा है कि जेड में जा रहा है, कैसे डिफाइन करोगे? तो इसीलिए लोग ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा इसका, जो लोकल एक्सिस से डिफाइन होता है। तो ओरिएंटेशन देखने के लिए हम लोग कहाँ से क्लिक करते हैं? लेवल एंड सिंबल्स में जाके प्लेट ओरिएंटेशन, शिफ्ट बार टिप दबाना, उसमें चलाएगा शिफ्ट। ओके, अब यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो तो क्लिक करो यहाँ से, तो देखो जेड के लिए बाहर में है, जेड यहाँ पर बाहर में पड़ रहा है, अंदर में तो रहेगा तो माइनस डालना पड़ेगा। तो जेड के लोकल जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन बाहर में है, दिख पा रहे हो बाहर की तरफ, जेड इस प्लेट के लिए बाहर, इस प्लेट के लिए बाहर, जेड यहाँ पर बाहर, तो जेड बाहर है तो उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो डब्ल्यू वन दे रहा। डब्ल्यू वन का क्या हिस्सा है? डब्ल्यू वन नीचे में, नीचे में ज्यादा लोड पड़ रहा है, ऊपर में कम, तो फाइव डाल के ऐड कर लेते हैं। इंटरपोलेट अलोंग ग्लोबल एक्सिस वाई, लोकल एक्सिस जेड, ऐड।
और भी अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ कैसे दिख रहा है उसमें। कट तो ऐसे करके वॉल का प्रेशर बढ़ रहा है नीचे में। ओरिएंटेशन शिफ्ट टी दबा के चलाएगा ओरिएंटेशन उसका। उसके बाद क्या करना है, लोड केस में जाके लाइव लोड डेड लोड है उसके लिए क्या जनरेट करेंगे, लोड कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगे। लोड कॉम्बिनेशन हम लोग जो सीखे थे ऑटोमेटिकली जनरेट करना सीखे, तो ऑटोमेटिकली करो यहाँ पर। जब कर रहे फर्स्ट कर रहे हो इंडियन कोड जनरेट करना पड़ेगा, इंडियन कोड सिलेक्ट करके जनरेट और कुछ बहुत लोड कॉम्बिनेशन ऐड करते हैं। एनालिसिस एनालिसिस के लिए कमेंट देना पड़ेगा। ऑल डन रन एनालिसिस यस। जीरो एरर जीरो वार्निंग। व्यू आउटपुट फाइल में जाके आउटपुट फाइल देख सकते हो, या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट चले जाते हैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। डन। अब पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में क्या क्या अप्लाई करना है ये सब यहाँ पर है, ठीक है। तो सबको सिलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, सब देख के क्या करो। ओके चला है इसमें, यहाँ पर सब कुछ हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं जो जो इनपुट के वजह से जो जो आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डिजाइन नहीं हुआ है, अभी तक डिजाइन नहीं हुआ है, कंक्रीट का डिजाइन नहीं हुआ है। डिजाइन के लिए दूसरा सेक्शन में जाना पड़ता है, डिजाइनिंग सेक्शन में जाना पड़ता है। स्टील के सेक्शन के डिजाइन करने के लिए स्टील का प्रोसेस होता है, उसको डिजाइन करने के लिए कितना बार लग रहा है, क्या क्या रीइंफोर्समेंट इल्ड शियर पड़ रहा है वहां पर। तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो जो हमारा पोर्शन के लिए हम लोग जो लोड डाले हैं उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वगैरह उसके लिए, रुको यहाँ पर एनिमेशन में देखना, यहाँ पर डिफ्लेक्शन है। तो डिफ्लेक्शन में जाके अप्लाई जब करोगे इसको और ऊपर जब करोगे, तो यहाँ पर तुम लोग मतलब तुम्हारा स्क्रीन में देखोगे कि यहाँ पर थोड़ा डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब वीडियो के थ्रू देख रहे हो तो अच्छी तरीके से देखना, वहां पर नहीं देख नहीं पाओगे। तो तुम तो वहां पर देखना कि थोड़ा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसमें, ठीक है। अब रिएक्शन में जब उसका रिएक्शन देख सकते हो, प्लेट के लिए देखोगे तो प्लेट के लिए क्या रखेगा, स्ट्रेस पोर्शन। तो स्ट्रेस पोर्शन देखने के लिए हम लोग मैक्स एब्सोल्यूट करके यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे। ओके तो नीचे का पोर्शन देखना है, इसको भी कट कर सकते हो तो कट करो। समझो कि ये पूरा सेक्शन का देखेंगे तो कहाँ कहाँ क्या क्या स्ट्रेस पड़ रहा है, ज्यादा स्ट्रेस यहाँ पर, उसके बाद क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है स्ट्रेस के लिए, वाटर के लिए प्रेशर दिखा देगा प्लेट के लिए, साइड वॉल के लिए भी देख सकते हो तुम। और क्या क्या देख दिखा जा सकता है इसमें, बीम के लिए होल स्ट्रक्चर, बीम के लिए यहाँ पर इस डायरेक्ट मतलब ये सब ग्राफ देख सकते हो यहाँ से। समझो कि शियर फोर्स वाई डायरेक्शन में देखना है तो दिखा देगा बीम के लिए सारा, ठीक है। तो ये भी ऐसे करके देख सकते हो, या तुम क्या करो कोई भी इसको चूज करो और उसके लिए डबल क्लिक करके तुम यहाँ से भी देख सकते हो सब कुछ, कितना डायरेक्शन में क्या पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है वो यहाँ पर से दिखा दे, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन लेके। और दूसरा भी तरीका है क्या करने का, कहाँ पे क्या क्या पड़ रहा है उसमें, रिजल्ट में जाके व्यू वाला सेक्शन में, व्यू वैल्यू में जाने के बाद उसमें रिएक्शंस नोट नोट के लिए कौन सा नोट ले, बीम रिजल्ट से तुम बेंडिंग शेयर एक्सेल फोर्स
क्या आएगा उसको सिलेक्ट करके, समझो कि एंड टू एंड देखना है, एंड टू एंड करके एनोटेट करोगे वो एंड टू एंड का वैल्यू दिखाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सबका लिए दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सब बीम के लिए आ रहा है, तो तुम जिस बीम के लिए चाह रहे हो उस बीम को सिलेक्ट करके तुम इसको कर सकते हो, तो उसमें चला आएगा उसका रिजल्ट। तो इसमें सब बीम आएगा तो तुम्हारे तरीके से देख नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड नहीं है, तो बीम के लिए, सब बीम के लिए रिजल्ट दिख रहा है। नोट के लिए रिएक्शन देख सकते हो, या इस पे ग्राफ, ग्राफ में जाके ग्राफ चूज कर सकते हो, या पर कौन से बीम के लिए क्या देखना चाहते हो, तो भी आता है वो, वही वाला सेक्शन डबल क्लिक करके वहां पर दिखा रहा था। जैसे कि समझो कि इस वाले बीम के लिए कर रहे थे, तो डबल क्लिक करके वही शेयर वाला, उसके लिए क्या ग्राफ है उसमें, तो वही वाला सेक्शन यहाँ पर दिखा था। फोर्स वगैरह के वही जो FY शेयर फोर्स पड़ रहा है उसी में, तो इसके लिए शॉर्टकट की भी डाला गया, एक्सेल फोर्स में देखना चाहते हो तो इसमें दिया गया है। अब कंट्रोल दबा के शिफ्ट प्रेस करोगे तो उसमें वो डायग्राम बड़ा छोटा होता है, तो वो मैक्सिमम में था क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू चूज किए थे। ऐसा करके एनालिसिस किया जा सकता है। अब एनालिसिस करने के बाद क्या समझ रहे हो वो भी समझना जरूरी है, कि कौन से के लिए क्या पुट हो रहा है, ठीक है? उसके बाद कहाँ पे जाना है, उसके बाद फिर से चले आओ। मॉडल में था, एनालिसिस हो चुका है, इसके बाद डिजाइनिंग में जाना है। अब डिजाइनिंग कैसे करते वो अलग क्लास में दिखा देंगे, पर बोल दे रहा हूँ कैसे डिजाइनिंग हो सकता है। समझो कि हमें कंक्रीट डिजाइन करना है, तो कंक्रीट डिजाइन करने के लिए हमें कहाँ पे जाना है, कंक्रीट सेक्शन, डिजाइनिंग सेक्शन के अंदर सब सेक्शन में देखोगे कंक्रीट कहाँ पे है, तो कंक्रीट कहाँ पे है तो चूज करते हैं कंक्रीट। अब कंक्रीट चूज करोगे, क्या स्टील का डिजाइन कर रहे हो, किसके लिए क्या डिजाइन हो रहा है वो चूज करना है, तो कंक्रीट डिजाइन कर रहे हैं हम लोग। तो कंक्रीट के लिए फर्स्ट जो डिजाइन चूज करना है वो क्या करना है, वो हमें कोट सूट, करंट कोट, मतलब जिस कोट्स के साथ करना चाहते हो। तो हम लोग जो कोट इस्तेमाल करते हैं वो IS 456 से कंक्रीट डिजाइन करते हैं यहाँ पर, तो IS 456 इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो 456 में जाने के बाद हम लोग को क्या क्या करना है, कोट सिलेक्टेड हो गया है, अब सिलेक्ट पैरामीटर करना है, मतलब कौन से वैल्यू लेना चाहते हो उसको डिजाइन करने के लिए, ठीक है? अब डिफाइन डिफाइन वैल्यूज यहाँ पर है, डिफाइन डिफाइन वैल्यू का डिफाइन डिफाइन मीनिंग, समझो कि कौन से सिलेक्टेड करना है, कैसे सिलेक्टेड करोगे, पहले इसको सबको या इस वाले पेज में ले आओ, अवेलेबल पैरामीटर यहाँ पर है, तो सब वाले के लिए नहीं कर रहे, समझो कि हम लोग डिजाइन कर रहे हैं कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ले रहे हैं, डबल क्लिक करो यहाँ पर चला आएगा। FY मेन ले रहे हैं, EL स्ट्रेंथ ऑफ मेन रिएनफोर्समेंट स्टील के लिए ले रहे हैं, और EL स्ट्रेंथ ऑफ रिएनफोर्समेंट यहाँ पर ले रहे हैं, FY सेकेंडरी जो है उसके लिए ओके कर लो। तो यही वैल्यू डिफाइन करना होगा हमारे तरीके से, तो समझो कि FC वैल्यू को दे रहे हैं, FC मेन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये पूरा बोल दे क्या क्या चीज है क्या नहीं है देखना पड़ेगा। पर पहले क्या करो, पहले जो चीज दिखाया गया है उसी को बिल्ड करने का कोशिश करो। एक पहला नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट सेक्शन है, मतलब कैसे डिजाइन हो सकता है। तो समझो कि मैं ले रहा हूँ, इसमें लेना पड़ता है 25 किलोमीटर है, तो उसके बाद FI main में रख रहा है किसके लिए, वॉल स्ट्रेंथ फॉर मेन रिइंफोर्समेंट स्टील के लिए पड़ रहा है, तो 500 ऐड, और सेकेंडरी में भी ऐसे ही ऐड करते हैं। हमारे कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कोड के लिए देखना पड़ेगा, उसमें देख के ऐड करना पड़ेगा। तो जो जो ऐड हो चुका है उसको असाइन करते जाओ यहाँ पर, तो किसके लिए जो FC मेन है किसके लिए पड़ रहा है, पूरा स्ट्रक्चर के लिए पड़ रहा है, तो असाइन विद भी कर ले, असाइन इसको भी पूरा स्ट्रक्चर के लिए दे रहे हैं, असाइन डिजाइन हो रहा है इसको भी असाइन विद भी। उसके बाद पढ़ चुका है, अब डिजाइनिंग होगा। डिजाइनिंग कैसे होगा, कमेंट से किसके किसके लिए डिजाइनिंग करोगे, तो हमने डिजाइन बीम के लिए करना है तो बीम के लिए ऐड करना है, उसके बाद कॉलम के लिए डिजाइन करना है, कंक्रीट डिजाइन ऐड करना है,
तो स्लैब स्लैब भी उसमें है, तो स्लैब के लिए ऐड करना है ऐड, और पूरे के लिए टेकअप, मतलब पूरा क्या कैलकुलेट हो रहा है उसके लिए टेकअप ऐड। अब ए वाला हो चुका है तो हमें क्या करना है उसको भी देना है, मतलब कहाँ पे कॉलम है कहाँ पे बीम है उसको क्या करना है, उसको यहाँ पर असाइन करना है। तो असाइन कैसे होगा, वही बीम को लिए क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, असाइनिंग में आना पड़ेगा, बीम्स पैरेलल टू वाई, उसके बाद असाइन टू सिलेक्ट बीम्स असाइन हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, डिजाइन हो रहा है, डिजाइन कॉलम, कॉलम पोर्शन कहाँ कहाँ पे है तो घुमा लो, सिलेक्ट तो नहीं होगा, ऊपर में कॉलम पोर्शन है हमारा, इसमें नीचे में है कॉलम पोर्शन, और इसमें इसके करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम असाइन। और डिजाइन एलिमेंट में क्या था, स्लैब एलिमेंट, तो सिलेक्ट करके पूरा को किसको, जहां जहां पे हमारा क्या है स्लैब पोर्शन में है असाइन। यस अब देखो यहाँ पर एरर आएगा, तो यहाँ पर क्या है फिनिश कमांड डाला डाला गया है, फिर से फिनिश नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एनालिसिस करना है, तो यस करो यस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रह रहा है, एरर आ रहा है, एरर किसके लिए आ रहा है, एलिमेंट के लिए यहाँ पर एरर दे रहा है, तो समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एरर दे रहा है मतलब जो थिकनेस है वो थिकनेस कैपेबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, क्या चेंजेस कर रहा हूँ, जनरल में जाके प्रॉपर्टीज में जाने के बाद थिकनेस चेंजेस कर रहा हूँ, तो समझो कि इसको बड़ा करते हैं, 0.3 चेंज, और 2.3 असाइन करो। ठीक है, तो उसमें असाइन हो जाएगा, क्लोज, चेंज भी कर सकते हो असाइन भी कर सकते हो। अब देखते हैं डिजाइन ये अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, इसमें गड़बड़ होगा तो फिर से एरर आएगा, तो चेंज करने के बाद वो ले चुका है 0 एरर, 0 वार्निंग दिखा रहा है। अब गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में देख सकते हो, फाइल में भी देख सकते हो क्या चीज है, तो अप्लाई करो, ओके करो। अब जिस बीम के लिए देखना चाहते हो और जिस स्लैब के लिए ऊपर देखना चाहते हो उसको डबल क्लिक करो, समझे कि बीम के लिए देखना चाहते हैं, डबल क्लिक करो, यहाँ पर देखना कॉन्क्रीट डिजाइन यहाँ पर मिलेगा, तो कॉन्क्रीट डिजाइन का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, एक एक क्या क्या बार वहाँ पर मौजूद होगा, क्या 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 लेना पड़ेगा उसमें, उसमें डिजाइन किया गया, तो ए वाला सेक्शन के लिए एक क्लास पूरा देगा, क्या चीज है कैसे डिजाइन किया जाता है, तो इसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले जब का जो प्रोसेस है, जो जो इनपुट डालना है वो इनपुट से जो जो आउटपुट यहाँ पर है उस आउटपुट में एरर नहीं आना चाहिए, मतलब जो असाइन हो रहा है वो ठीक ठाक तरीके से असाइन हो रहा है कि नहीं, जो लोड पड़ रहा है ठीक ठाक से लोड दे पा रहे हो कि नहीं, तो कोई भी एलिमेंट छूट जाएगा, समझो कि असाइनिंग में एक स्लैब के लिए एक थिकनेस छूट गया है, थिकनेस असाइन करना छूट गया, तो देखना कि वो पर एरर शो करेगा, क्योंकि ऐसा कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, एनालिसिस नहीं कर पा रहे उसके लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है उसको डिजाइन करने के लिए, तो तुम्हें समझना है क्या है उसमें, क्या कौन से वैल्यू से डिजाइन करना है, किसका वैल्यू का क्या मतलब है, रियल स्ट्रेंथ जो पड़ रहा है क्या मतलब है वो पर? तो उसके लिए बोलना पड़ेगा, तो एक पूरा प्रोसेस होता है डिजाइनिंग करने का। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फाउंडेशन के लिए डिजाइन करते हैं, फाउंडेशन में जाने के बाद फाउंडेशन डिजाइन होता है, इसमें फाउंडेशन डिजाइन अप्लाई करते हैं फाउंडेशन, तो बाद में आएंगे। तो ये जो एक चीज आया था इसको ही कॉम्प्लीट करके मुझे भेजना, कहाँ पे भेजोगे, दे रहा हूँ वो दिखाया गया, ये मेल आईडी है, इस मेल आईडी में भेजा फाइल को, और कल जो शुरुआत करते थे न्यू न्यू करो, जो ब्रीड के थ्रू हम लोग करने का कोशिश करते हैं, स्नैप नोटबुक ब्रीड के थ्रू, उसी को यहाँ पर डिजाइन करेंगे। तो कैसे डिजाइन पॉसिबल है इसमें,
वही वाला टैंक के लिए जो इसमें जो ग्रिड है, ग्रिड का मतलब क्या है, ग्रिड का मतलब यहाँ पर डिफाइन करके बोला गया कितना कितना डिस्टेंस में क्या क्या पॉइंट दिया गया, इसमें क्या किस प्लेन में है ग्रिड, एक ग्रिड है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन में किसी भी बिल्ड करना चाहते हो तो इसमें ऐसे करके बिल्ड कर सकते हो, ऐसे करके ग्रिड के लिए, ग्रिड से। ठीक है, तो हम ऐसे करके नहीं लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम क्रिएट करेंगे, किसमें क्रिएट करेंगे, पहले लेना पड़ेगा लीनियर, इसमें क्या है लीनियर, हम हमारा क्या चाहिए रेडियल, मतलब उसमें रेडियस का वैल्यू पुट करके रेडियल रेडियल से आए, तो उसके लिए नेम डालो, हम लोग की सी डाल रहे हैं, किस प्लेन में करना है, हम ग्रिड के थ्रू क्या कर रहे हैं, नीचे का प्लेट का वैल्यू पुट कर रहे थे, तो नीचे का प्लेट का जो असाइनिंग होगा, असाइनिंग पार्ट होगा प्लेट का लिए, ग्रिड का स्ट्रक्चर से हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें प्लेट का असाइनिंग कर दे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किस में ग्रिड का लेंगे, एग्जेट में लेंगे, तो एग्जेट को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसमें देना पड़ेगा क्या, देना पड़ेगा इसमें वैल्यू, अब किसका किसका क्या क्या वैल्यू डिफाइनिंग होगा, इसमें रेडियस कितना पड़ेगा, समझो कि रेडियस ले रहे थे 6 या 5, 6.5 जो पथ था, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देना है उसके लिए ये जो सेक्शन है, ये पेरिफेरी के सेक्शन में लेता है, पेरिफेरी में कितना पोर्शन रहेगा, तो पेरिफेरी में हम लोग कितना पोर्शन ले रहे थे, 21 ले रहे थे ऐसा, और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन जो मिडिल से उसके लिए एक रेडियस फॉर्म हो रहा है 0.2615 जो रेडियस फॉर्म हो रहा है उसके लिए कितना सेक्शन जा रहा है, अब रेडियस 1 रेडियस 2 क्या है, वही वाला सेक्शन, तुम रेडियस 1 और रेडियस 2 से क्या डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि जो 6 अंदर में था 5 और बाहर में था 6 वो वाला पोर्शन डिफाइन कर सकते हो, तो इसके लिए पूरा सेक्शन में जो 0 से 6.5 मीटर डिस्टेंस है उसके लिए जो आएगा इसमें सरफेस, उसमें इसके लिए कितना सेक्शन है, उसमें मतलब कितना सेक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो समझो कि 5 वाला सेक्शन लेते हैं, उसके बाद ओके कर लेते हैं, तो वाला सेक्शन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर दिखाओगे कैसे, क्लिक करोगे वो वाला सेक्शन यहाँ पर दिखेगा, ठीक है, तो इसके लिए ये सारा चीज है, तो इस सारा चीज को हम लोग डिफाइन किए थे उसमें, तो डिलीट कर दो, तो वही वाला चीज यहाँ पर क्या है, वही वाला चीज यहाँ पर 21 पोर्शन आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो चुका है 666 करके, मतलब 1 2 3 4 5 5 सेक्शन डिवाइड हुआ है इसमें से रेडियस में, और 36 डिग्री एंगल में कितना बेस था, 21 बेस, मतलब सेक्शन पेरिफेरी में जो सेक्शन ले रहा है, तो ऐसे करके हमें क्या मिलेगा, ग्रिड का सेक्शन मिलेगा यहाँ पर, मतलब प्लेट का सेक्शन नहीं मिला है, ग्रिड मिला है प्लेट की तरफ, अब यहाँ पर डिजाइन करना होगा हमारा, तो फिर से दिखा देते हैं क्या क्या लिए थे, ये आप ऐसे करके डिफाइन हो जाएगा, तो समझो कि न्यू कर लिया, तो ऐसे करके आएगा, तुम्हें क्या करना है, क्रिएट करना है, किसके लिए क्रिएट करना है, उस वाला सेक्शन को लिए क्रिएट करना है, ग्रिड के थ्रू डिफाइन कर रहे हैं, तो रेडियल सी एक्स वाई प्लेन, उसके बाद 6.5 ले रहे थे, 5 सेक्शन से आएगा, 360 डिग्री कितना बेस है, 21, ओके, सब नेम डालना पड़ेगा नहीं तो इसमें ऐसा नहीं है, आ चुका है, अब समझो एक एक लेना चाहते हो तो एक प्लेट लेना चाहते हो उसमें एक एक करके ले सकते हो, और सबको लिए एक एक करके जो 1 मीटर करके डिफाइन कर लेते हैं उसी के लिए एक बड़ा सेक्शन क्रिएट कर रहे ऐसे कर, तो वहां पर क्या ऐड हो चुका है, वहां पर एक सेक्शन ऐड हो चुका है, नोट का सेक्शन ऐड हो चुका है, ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड करना है, किसके लिए ऐड करना है, ऐड करना है 4 नोट सेक्शन, 4 नोट सेक्शन से क्या ऐड करना है, प्लेट ऐड करना है, तो प्लेट ऐड हो रहा है उसमें, ग्रीट हमें क्या दिया है, ग्रीट हमें जियोमेट्रिकल सेक्शन दिया है वो उसमें, यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, नोट का सेक्शन ऐड कर रहे हैं, उसके बाद
प्लेट का सेक्शन ऐड कर रहे हैं। अब प्लेट का सेक्शन ऐसे करके क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि क्रिएशन ही हम लोग ऐसे करके किए कि फाइव सेक्शन से डिवाइड कर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस फोर नोट से तो ऐड नहीं कर पाओगे, फोर नोट तो नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए देखो यहाँ पर ज्योमेट्री एड प्लेट्स सेक्शन में ट्राइगोनल सेक्शन में मौजूद है। सीपीआई वाला सेक्शन आया है सिर्फ, ठीक है, उसमें ना ना ही कोई बीम है, ना ही कोई कॉलम का सेक्शन मौजूद है, सीपीआई वाला पोर्शन आया है, डिजाइन हुआ है। अब इसको क्या करना है, बीम देना है एक, इस बीम को हम क्या करेंगे, इस बीम को हम ऊपर ऊपर में देंगे जो साइड वॉल है, तो नोट को, इस नोट को ट्रांजिशन रिपीट 4 मीटर लिए थे, समझे, 4 मीटर एक वाई डायरेक्शन में ऊपर में जा रहा है, लिंक अप कर लो। इसको क्या करना है, सर्कुलर रिपीटेशन देना है सारा जगह पे, ठीक है, तो तुम यहाँ पर फोर नोट से इसको ऐड भी कर सकते हो, तो एक बार में सब कुछ आ जाएगा। अब सर्कुलर रिपीट किसको देना है, दोनों चीज को देना है, बीम कॉलम जो ऐड हुआ है, उसके बाद प्लेट का सेक्शन जो ऐड हुआ है इसमें, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए जियोमेट्री कर्सर को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद पूरा सेक्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करके सर्कुलर रिपीट देंगे। अब सर्कुलर रिपीट में क्या करना है, सर्कुलर रिपीट में एक्सिस ऑफ रोटेशन वाई है, वाई के तरफ घूमेगा वो, कितना स्टेप में घूमेगा, 21। ऊपर के लिए काम कर सकते हो तो कट करो, सिलेक्ट भी हो, ओके, किसके लिए, बीम के लिए सेफ, ठीक तो यहां से इसको बंद करोगे तो चला जाएगा, वाला सेक्शन आ चुका है तो नहीं लगेगा, तो बंद कर दोगे यहाँ से मैं अपने बीम को, उसके बाद सरफेस जनरेट कर दो जा जो कर रहे थे, इसके लिए सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए हो रहा, कुछ नहीं, जो कैलकुलेट करेगा उसके लिए, मतलब सेल्फ वेट उसके लिए थिकनेस ऐड कर दो। कोई गाड़ी आती है अपना अपना सर ओ एक झंडा लगा इसमें काम करेंगे, तो पहले बीम कर्सर को पकड़ो, सिलेक्शन करो, इसको भी सिलेक्शन करो, व्यू व्यू सिलेक्टेड बीम ओनली, तो वह से चला जाएगा इस कर्सर के थ्रू। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर में एक बीम ऐड करते हैं सपोर्ट देने के लिए, लॉन्गिट्यूडियल डिस्टेंस। अब यहाँ से समझ नहीं पा रहे हो कहाँ पे इसमें नोट है, शिफ्ट
ऐसे कर लेना, शिफ्ट नीचे में जाओगे तो नीचे में वो मूव होगा, ऊपर में जाओगे तो ऊपर में मूव होगा, शिफ्ट दबा के। एट अप नीचे के लिए नोट कर्सर नोट बीम जो हम लोग कर रहे थे। और इसको ट्रांजिशन रिपीट कहाँ पे देना है, नीचे में दो सेक्शन ले रहे थे -3 करके, किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, लिंक अप। ओके इसमें काम करना है तो हम क्या करेंगे, इससे कट करेंगे, व्यू से ऐड करो जो जो हम वहां पर कर रहे थे। अब क्या करना है, प्रॉपर्टी से असाइन करना है, जनरल प्रॉपर्टीज डिफाइन रेक्टेंगल इनके लिए डाल देते हम लोग, कॉलम के लिए डाल देते 5-6 करके। थिकनेस मिनिमम लो पहले, एरर आएगा तो बाद में चेंजेस कर लें। बीम्स पैरेलल टू वाई, वाई का सेक्शन में असाइन होगा। इसके लिए क्या करना है, सिलेक्ट करना पड़ेगा किसको किसको सिलेक्ट करूं, जिसको जिसको देना है। तो समझो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो बिल्ट हुआ है यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, यहाँ पर जो डाला गया है नीच का पोर्शन में, नीच का पोर्शन में हर के लिए बीम आ चुका है यहाँ पर, तो उसको नहीं डालना चाहते हो तो जिसमें डालना है उसको सिलेक्शन करके रख लो। मतलब यहाँ पर क्या दिक्कत आएगा बोलो, यहाँ पर जब यहाँ पर सिलेक्शन करोगे सिलेक्शन इसको बीम को, तो इसमें जो होगा इसमें तो क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो सिलेक्शन करने के बाद क्या होता है, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पर घूम जाओगे तो यहाँ पर घुमाओगे तो देखो यहाँ पर सारा बीम मतलब वहाँ पर बीम ऐड हो चुका है, जब वहाँ पर से डॉटेड लाइन से टर्न रहे तो उसमें बीम ऐड हो चुका है। तो तुम समझो यहाँ पर बीम असाइन नहीं करना चाहते, समझो कि एक ही बीम है उसमें, तो जहां जहां पे बीम के लिए असाइन करना होगा उसमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ से ऐसे करके व्यू से सिलेक्शन करोगे तो वहां पर सारा सारे बीम के लिए वहां पर आ जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर जब असाइनिंग किए थे नोट वाले सेक्शन को तो उसमें क्या हो रहा था, वहां पर बीम भी आ चुका था। तो उस वाले सेक्शन को असाइनिंग नहीं करना है तो क्या करना है, तुम्हारे तरीके से सिलेक्शन कर लेना। कैसे सिलेक्शन करोगे, समझो कि बाहर बाहर में देना है, अंदर में कुछ बीम के लिए कुछ स्ट्रक्चर नहीं देना, तो कैसे सिलेक्शन होगा इसके लिए, तो सिलेक्शन करने के लिए आसानी कैसे होते, तो हमें क्या करना है, हमें उसको सिलेक्शन करना है, जहां पे काम करना है वहां पर सिलेक्शन करना है। तो कट करो, कट करने के बाद व्यू सिलेक्शन ओके, अब किसके लिए कट कर लो, बीम के लिए, तो बीम वाले सेक्शन को रहना चाहिए, तो हो चुका है। अब क्या करना है, अब सिर्फ बाहर के लिए सिलेक्शन करना है, तो बाहर वाला जो जो बीम है उसको लिए सिलेक्शन कर लेना,
अंदर वाले जो बीम, कोई भी बीम के लिए डालना चाहते हो तो लॉन्गिट्यूडियल कोई डिस्टेंस डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर असाइनिंग नहीं होगा तो इसके लिए क्या करते हैं, छोड़ दे रहे। कंट्रोल दबा के असाइनिंग करके इसको असाइनिंग कर दें, तो इस चीज में क्या होगा, इस चीज में ऊपर डिफिकल्टीज नहीं आए। अब उसके बाद तुम असाइनिंग करोगे यहाँ पर, असाइनिंग टू सिलेक्टेड बीम, असाइनिंग करो, असाइन हो जाएगा उसमें। अब उसके बाद होल स्ट्रक्चर में आओ, यहाँ पर असाइन हो चुका है, ऊपर का स्ट्रक्चर में असाइन करना है तो घुमा लो। घुमा लेने के बाद इसको सिलेक्ट करो, तो अब देखो ऊपर में क्या था, ऊपर में एक ही बीम का स्ट्रक्चर था उसमें, और नीचे का उस सेक्शन में, इस सेक्शन में असाइन असाइन, घुमा के देख लेना ये वाला बीम दे रहा है कि नहीं। असाइन हो जाने के बाद अब क्या करना है, थिकनेस, थिकनेस कहाँ पे लग रहा है, थिकनेस लग रहा है इसमें, इस प्रॉपर्टीज में लग रहा है। तो क्या करना है, प्लेट का सिलेक्शन करना है, इसके इस यहाँ से सिलेक्शन करोगे तो क्या सिलेक्शन होगा, बीम, सारा बीम सिलेक्शन होगा। तो हमें क्या देना है, हमें देना है थिकनेस के लिए, तो जनरल प्रॉपर्टीज थिकनेस में सिलेक्शन करके, किसका सिलेक्शन, प्लेट का थिकनेस, तो प्लेट को सिलेक्शन करके ऐसा ही हो गया है। अब क्या करना है, वही वाला सेक्शन को रिपीट करना है जो लोड वगैरह पड़ता है। अब लोड के आगे क्या करना है, लोड के आगे सपोर्ट को देना, जो सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट नीचे में लग रहा है तो फिक्स सपोर्ट को ऐड करो। ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या करो, डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करते हैं, घुमा लो इसको। घुमा देने के बाद आप देखो सपोर्ट में जब आएगा ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाता है, नोट के लिए पड़ रहा है। तो घुमा के असाइन, असाइनिंग हो चुका है। अब असाइनिंग होने के बाद जो जो लोड जहां जहां पे पड़ रहा है वो पर डिफाइन करना है लोड का प्रॉपर्टीज। तो डेड लोड पहले डिफाइन करो, उसके बाद वाटर प्रेशर साइट वॉल के लिए। अब साइट वॉल के लिए देखना है तो साइट वॉल के लिए क्या करना है, साइट वॉल के लिए उसके लिए ओरिएंटेशन देखना है, क्योंकि ग्लोबल एक्सिस यूज करके बोल नहीं सकते, राउंड सिलेंडर मतलब इसमें क्या है, इसमें सर्कुलर साइज है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ओरिएंटेशन देखना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन देखोगे कैसे, ओरिएंटेशन देखोगे शिफ्ट प्लस टी। अब शिफ्ट प्लस टी दबाओगे तो ओरिएंटेशन ऑन होगा, किसके लिए ओरिएंटेशन ऑन होगा, तुम्हारे कॉलम मतलब जो प्लेट लग रहा है उसके लिए ओरिएंटेशन। और उसके डायरेक्ट तुम ऑन करना चाहते हो तो कहाँ पे, ऐसे सिंबल्स एंड लेवल्स के थ्रू प्लेट ओरिएंटेशन, प्लेट ओरिएंटेशन करके अप्लाई करके ओके करोगे ऐसे करके। अब ऐसे समझ नहीं पा रहे हो किसके लिए क्या प्लेट है क्या नहीं है, तो क्या करो कोई भी एक सेक्शन को डिफाइन कर लो पहले, उसके बाद उसमें शिफ्ट प्लस टी को असाइन करना। साइट का प्लेन देखना चाहते हो तो कट कर लो, प्लेट कर्सर के थ्रू देखने, नहीं तो नहीं रहेगा उसमें, कॉलम्स के थ्रू कट करोगे तो सिर्फ कॉलम पोर्शन रहेगा, कॉलम और बीम का पोर्शन। अब यहाँ पर जो जेट के ओरिएंटेशन ले रहा है क्रिएशन के टाइम जो ऐड हुआ है इसमें, जेट के सिर्फ अंदर में है, तो जब उसमें वॉल का प्रेशर पड़ेगा तो बाहर से डालोगे उसमें, मतलब समझो कि इसके लिए वॉल का प्रेशर डाल रहा हूँ, ऐड समझो कि लाइफ लोड के लिए डाल रहा हूँ इसमें। पर तुम लोग सब सभी को फॉलो करते हुए जाना, जैसे कि डेड लोड, उसके बाद नीचे का लोड मतलब फ्लोर लोड, मतलब फ्लोर लोड बोल रहे हैं, नीचे में जो वाटर प्रेशर पड़ रहा है नीचे का प्लेट में। जूम कर लो, उसके बाद सिलेक्ट करो, इसको टर्न करो। अब माइनस से देना पड़ेगा क्योंकि जेड का लोकेशन अंदर में है, डायरेक्शन ऑफ जेड अंदर में है, अंदर से बाहर पड़ रहा है, तो -50 समझो, जीरो से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, मिनिमम हम थोड़ा दे रहे हैं इसमें, ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लोकल एक्सिस जेड है।
माइनस नहीं डालोगे तो देखना बाहर से, बाहर के वॉल के लिए करेगा। ऐसे करके उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद सारा लोड को देना, देने के बाद लोड कॉम्बिनेशन ऐड करना पड़ेगा, ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, जो ऑटो लोड से करते हैं। नहीं तो हम लोग के लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लोड जनरेशन डिफिनेशन नेट, मतलब तुम तरीके से जो जो लोड के लिए कॉम्बिनेशन बार करोगे उसके लिए दिया गया है। ऐसे नहीं करके, करने के बाद पहले क्या करना, पहले एनालिसिस प्रिंट में जाके ऑल प्रिंट कर देना, जो जो वैल्यू आएगा सब कुछ देख पाओगे। ऑल प्रिंट कर देने के साथ जो आएगा इसमें वो क्या होता है, एक बार ही देना पड़ता है। ये ऑल प्रिंट का जो कमेंट है वो एक बार ही देना पड़ता है। नो प्रिंट डालोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, मतलब व्यू आउटपुट फाइल में जो देख के देखना चाहते हो तो वहां पर कुछ नहीं रहेगा। तो ऐड करने के बाद उसके बाद एनालिसिस करो, रन एनालिसिस, जो कंट्रोल प्लस F5 से डाला जाएगा। तो जो चीज दिखाया गया है जिसमें से टैंक के लिए, कोई भी एक टैंक लेके एनालिसिस करके मुझे दिखाओ किसके लिए एनालिसिस, जो जो लोड पड़ रहा है, जैसे जैसे लोड दे रहे हो, और उसको कैसे दिखाओगे, जो डाला गया है देखो, एक भेजा गया है उसमें shomudip@artincollaboration.com, उसको क्या करना, मेल भेजना मुझे उस फाइल को। कौन किस फाइल को भेजोगे, तो फाइल के लिए देखोगे कहाँ पे उसको सेव कर रहे हो, तो जहाँ पे सेव करने के लिए प्रॉपर्टीज आएगा तो उसमें समझो कि ऐसे करके स्टीयर के देखते हैं क्या है इसमें। तो जैसे कि ऐसे करके एक फाइल का नेम डाला गया था, तो इस फाइल को सेंड कर देना तो मैं देख पाऊंगा। सिर्फ इस फाइल को सेंड करोगे तो भी चलेगा। तो जैसे ऐसे नाइन नाम से दिया जाएगा, उस नाम से तुम देख पाओगे इस फाइल को। तो यहाँ पर बहुत सारा फाइल है, तो ऐसे करके फाइल रहेगा। अब तुम कैसे समझोगे कि तुम्हारा फाइल कैसे कहाँ पे है, तो तुम जब क्रिएशन कर रहे थे न्यू करके तो वहीं पर ही तुम ऑप्शन डाला गया था लोकेशन। तो जब जिस जिसमें से फाइल को क्रिएट करोगे, स्पेस के लिए कर रहे हो समझो कि स्ट्रक्चर 6 है, तो लोकेशन कहाँ पे है देख लेना। लोकेशन तुम्हें तरीके से देना चाहते हो तो मैं सिखा भी चुका हूँ कैसे लोकेशन दिया जाता है। समझो कि इसको डेस्कटॉप पे रखना है इस फाइल को, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके डेस्कटॉप में चूज करेंगे। ओके, अब सिर्फ डेस्कटॉप में है, डेस्कटॉप में फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो, नहीं तो सिर्फ फाइल के लिए आएगा सारा फाइल वहां पर चलाएगा। तो फोल्डर के अंदर रखना चाहते हो तो जो नाम है उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके दे दो, नेक्स्ट करो, क्या दिखाएगा वहां पर, कोई वैसे करके फोल्डर नहीं है तो डू यू वांट टू क्रिएट इट, यस करो और क्रिएशन हो जाएगा उस फोल्डर। अब जो जो काम करोगे उसमें से ही रहेगा। ये तो स्ट्रक्चर 6 आ चुका है फोल्डर, और फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर 6 करके इस फाइल रहेगा। इस फाइल में जो काम करके सेव करोगे उसको चलाएगा, इसी फाइल को सेंड करना, इस हफ्ते के अंदर ही सेंड करना, जो जो सिखाया गया है इस हफ्ते के अंदर ही सेंड करो। कल जो देखेंगे, कल ये तो लोड के बारे में जानने के लिए था, मतलब ये क्यों देख रहे थे, मतलब कैसे ज्योमेट्री क्रिएट किया जा सकता है, कैसे प्लेट का यूजेस किया जा सकता है, यहाँ पर बिल्डिंग में भी हम लोग प्लेट यूज करके वहां पर लोड डिस्ट्रीब्यूट करके एनालिसिस कर सकते हैं। पर बिल्डिंग में प्लेट यूज करने के बाद उसमें फिर से ऐसा मतलब उसके लिए एनालिसिस होगा ऐसा नहीं है, डायरेक्ट उसमें लोड दे देते हैं हम लोग। बीम मतलब स्लैब का लोड कहाँ पड़ रहा है, बीम में पड़ रहा है, बीम का लोड कॉलम में जा रहा है, कॉलम के थ्रू फाउंडेशन में जा रहा है, तो डायरेक्ट हम लोग कॉलम में ऐसा नहीं कर रहे थे। उसमें क्या क्या लोड डाल रहे थे, पहले डाल रहे थे स्लैब के लिए वो डेड लोड डाल रहे थे, उसके बाद फ्लोर फिनिश जो एक्स्ट्रा जो कुछ ऐड करोगे उसके ऊपर टाइल्स वगैरह, तो उसके लिए डाल रहे थे कैलकुलेशन करके, और उसके बाद डायरेक्ट कैलकुलेशन हो रहा था। तो स्लैब यूज कर मतलब उसमें
स्लैब यूज करके मतलब नो प्लेट यूज करके मतलब नहीं है कोई। तो ये सब देखें, कल जो देखेंगे, कल एक नया चीज देखेंगे कैसे अर्थक्वेक लोड को डिजाइन किया जाता है। अर्थक्वेक लोड से ऐसा नहीं किया जाता है, कैसे हम लोग कोड के थ्रू उसको देख के इसमें ऐसा नहीं करते अर्थक्वेक लोड। तो जो जो इतना देर तक दिखाया गया है उसको ही करके ये जो दिया गया है एनालिसिस जो टैंक के लिए है उसको करके मुझे ये जो भेजा गया है शोमोदीप @collaboration.com में सेंड करो, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा किसके सही है किसका गलत है। किसका कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बोलो, करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो डिस्कस करो मुझसे। तो जहां जहां प्रॉब्लम आ रहा है बोल देंगे हम, अनम्यूट करके बोलो।